तो 2-4 दिन हो गए मेरे को यहाँ पे आके, और यहाँ पे मैंने लोकल जो वहाँ के हैं उनसे बातचीत की, और मैंने भी 2-3 वीडियोस डाले हैं। तो वहाँ से मेरे को पता चला कि ये जगह भी देख सकते हैं मेरे पीछे, ये जो जगह है ये जगह बहुत ही हॉन्टिंग प्लेस है, यहाँ पे भूत वगैरह रहते हैं देख सकते हैं। और इधर में भी जो है मेरे पीछे में भी ये भी सब है पूरा, ये सब पूरा जो है सपाटा का जो पूरा बगीचा है। ओके देख सकते हैं आप लोग, यहाँ रात के मतलब शाम के बाद में कोई भी नहीं आता, जो भी यहाँ पे आते हैं दिन में ही आते हैं, शाम 5 बजे के बाद में कोई भी नहीं आता है। ये देख सकते हैं एक ये जो सपाटा का जो बगीचा है, ये बगीचा तकरीबन 10 एकड़ जगह में फैला हुआ है। तो मैं आपको इसके अंदर लेके चलता हूँ, ठीक है, आप देख सकते हैं। तो चलिए इसके अंदर जाते हैं। यहाँ पे चमगादड़ भी बहुत ज़्यादा है, पिछली वीडियो में आपने देखा था एक चमगादड़ को कुत्ते ने पकड़ा था, तो मैंने जब उसे बचाया तो मुझे ही काट लिया। तो ये आप देख सकते हैं चींटी जो है, चींटी का ये घर है, चींटी का घर है ये। यहाँ पे कोई भी नहीं रहता है, ऊपर का आप देख सकते हैं काफ़ी साल से ऐसे खंडहर होकर पड़ा हुआ है। ये पूरा जगह खंडहर में खंडहर होकर पड़ा हुआ है। तो चलिए अब मैं आपको दूसरी तरफ दिखाता हूँ इसका। ये जो मेरे पीछे दिख रहा है ये तो काफ़ी अंदर तक है, बाहर काफ़ी अंधेरा भी है, तो हल्का हल्का सा सूरज दिख रहा है। मेरे को अंदर जाने का कोई शौक नहीं है, क्योंकि यहाँ के बारे में काफ़ी मैं सुना हूँ, डरावनी जगह है। तो मैं सिर्फ आपको बाहर से भी दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे भी है, ये जो है ये पूरा देखिए ये पूरा ऐसे ही पड़ा हुआ है, और उधर भी पूरा दूर दूर तक आप देख सकते हैं सपाटे का जो बगीचा है पूरा फैला हुआ है। और थोड़ा मैं आगे आके आपको दिखाता हूँ अच्छे से। ये देखिए आपको देख के ही लग रहा होगा कि कितनी हॉन्टिंग प्लेस है ये यहाँ की। और भी एक मैंने स्टोरी सुनी है यहाँ के गांव वालों से, जो कि ये वीडियो में मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी इतना लंबा वीडियो हो जाएगा। तो मैं इसका पार्ट टू में आपको ज़रूर उसके बारे में बताऊंगा, और भी थोड़ी बहुत जो कि जानकारी मुझे नहीं मिली है वो पूरा जितना भी जानकारी इकट्ठा होने के बाद ही मैं आपको उस वीडियो में आपको पूरा डिटेल्स बताऊँगा, और उस जगह में भी ले कर जाके आपको पूरा का पूरा उसका मतलब जो भी है दिखाऊँगा। और गाइस आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और कमेंट या नहीं करते आप लोग कमेंट भी करो, और बताओ वीडियो आपको कैसा लग रहा है, किस टॉपिक में आपको वीडियो चाहिए, ताकि मैं उसी के ऊपर मैं वीडियो बना सकूं, ठीक है। और लाइक करो और अपने दोस्तों को भी शेयर करो, ठीक है। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।